नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश मोनोपोली ऑन सॉल्ट ट्रेड इन राजस्थान। जो कंपनी सरकार है भारत में हर तरीके से धन बटोरना चाहती थी, अतः कंपनी सरकार ने राजपूत शासकों से खिराज के रूप में काफ़ी मात्रा में धनराशि वसूल करने के उपरांत भी उनकी आर्थिक जो उनको लालच था वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। कंपनी सरकार ने अपने अधिकारियों से बात कर राजस्थान के बढ़ रहे नमक व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर अपनी आय में वृद्धि करनी चाहिए। बंगाल में नमक पर एकाधिकार स्थापित कर लाभ अर्जित करने से कंपनी सरकार को यह स्पष्ट हो गया कि बंगाल की तरह राजस्थान के नमक व्यापार को भी अधीन कर लाभ कमाया जा सकता है। तब कंपनी का मुख्य उद्देश्य यह भी था कि इंग्लैंड के लिवरपूल के नमक उत्पादकों के हितों की रक्षा करके उन्हें अधिकाधिक लाभ पहुंचाना था। साथ ही पूर्वी भारत में उत्पादित नमक को महंगा करके लिवरपूल से आने वाले नमक को सस्ता बेचा जाए, और यह तभी हो सकता था जबकि राजस्थान का नमक जो तुलनात्मक दृष्टि से बहुत सस्ता था और करों से अधिकतर मुक्त था, बंगाल नमक के प्रतिस्पर्धा में न आए। राजस्थानी राज्यों पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित होने के बाद में कंपनी ने राजस्थान के नमक उद्योग पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। इस ओर सबसे पहले भरतपुर के अंग्रेज एजेंट वॉल्टर ने 1835 ईस्वी में अंग्रेज सरकार को लिखा कि भरतपुर में उत्पादित 13 लाख मन से अधिक नमक पर स्थानीय सरकार 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष लाभ कमाती है, लेकिन कंपनी सरकार इसे अपने हाथ में ले ले तो 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष लाभ कमा सकती है। 1856 में तत्कालीन चुंगी कमिश्नर वेंसीटॉट ने कंपनी सरकार को देशी राज्यों के साथ समझौता कर उनके नमक उत्पादन पर एकाधिकार स्थापित करने का सुझाव दिया। इसके बाद नियमित चुंगी पद्धति अपना कर आय में अभिवृद्धि की जा सकती थी। 1868 में वॉल्टर के सुझाव पर भरतपुर के नमक उत्पादन पर ब्रिटिश सरकार ने एकाधिकार प्राप्त कर 33 लाख रुपयों से भी अधिक धनराशि प्राप्त की। अब ब्रिटिश सरकार का ध्यान सांबर झील की ओर गया। इस झील पर जयपुर व जोधपुर दोनों ही राज्यों का संयुक्त अधिकार था, अतः ब्रिटिश सरकार ने दबाव डालकर 1869-70 में जयपुर के शासक सवाई राम सिंह व जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह से समझौता कर सांभर झील पर पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण स्थापित किया। 1879 से 1882 के मध्य सभी राज्यों के साथ समझौता कर राजस्थान के नमक उत्पादन व व्यापार संबंधी सभी अधिकार ब्रिटिश सरकार ने प्राप्त कर लिए। जयपुर व जोधपुर के साथ 1869 ईस्वी में किए गए सांभर झील के समझौते की जो धाराएं थी वो थी कि जयपुर सरकार को सांभर झील के अपने हिस्से में नमक बनाने, बेचने तथा उस पर कर लगाने का अधिकार ब्रिटिश सरकार को देना पड़ेगा। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक पर भी जयपुर राज्य को कर लगाने का अधिकार नहीं रहा। जयपुर सरकार द्वारा केवल 172,000 मन नमक पर कर लगा सकती थी, जो उसे अंग्रेज सरकार द्वारा 56 पैसे प्रति मन के हिसाब से जयपुर राज्य में बेचने को निर्धारित किया गया था। अंग्रेज सरकार ने जयपुर राज्य को 1.25 लाख रुपीस पट्टे के किराए के रूप में तथा 1.25 लाख रुपीस कर न लगाने के बदले में देना स्वीकार किया था। जोधपुर के साथ शर्तें थी, वो इस प्रकार थी। जोधपुर नरेश ने अपना सांभर का आधा भाग 1.25 लाख रुपए लेकर अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया। जोधपुर राजघराने के उपयोग के लिए 7,000 मन नमक मुफ्त देना स्वीकार किया। इन शर्तों के अतिरिक्त इन राज्यों के साथ किए गए समझौते में कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार को दिए गए पट्टे स्थायी होंगे, जोधपुर व जयपुर की सरकारें इन्हें वापस नहीं ले सकेंगी। ब्रिटिश सरकार 2 वर्ष का नोटिस देकर पट्टा वापस लौटा सकेगी। सांभर झील के निकट रहने वाले नागरिकों के घरों की तलाशी लेने का अधिकार अंग्रेजी सरकार को रहेगा। ब्रिटिश सरकार को अधिकार होगा कि वह सांभर में एक सॉल्ट न्यायालय खोले जहां चोरी से नमक बनाने वाले लोगों को दंडित किया जा सके। नमक के भाव निर्धारित करने का भी अधिकार अंग्रेजी सरकार के पास रहेगा। इन संधियों के फलस्वरूप जयपुर और जोधपुर राज्यों के असीमित नमक भंडार पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित हो गया। इन संधियों का सर्वाधिक घातक प्रभाव भरतपुर के नमक उद्योग पर पड़ा। भरतपुर के जिन व्यापारियों ने खारा नमक में अपना धन लगा रखा था वो दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए थे। सांभर, नावा और गुड़ा के नमक स्रोतों पर कोड़ियों के भाव नियंत्रण स्थापित कर लेने से अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा जो थी वो बहुत अधिक
बढ़ गई थी। जोधपुर राज्य में सांभर झील के नमक भंडार के अलावा पंचभद्रा, डीडवाना, लूनी क्षेत्र, फलौदी में भी काफ़ी नमक उत्पादन होता था। 1879 के समझौते के अनुसार इन नमक केंद्रों को भी ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन कर लिया और 1879 से 82 के बीच राजस्थान के उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, सिरोही, धौलपुर आदि सभी राज्यों के साथ समझौता कर ब्रिटिश सरकार ने नमक उत्पादन पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। नमक व्यवसाय संबंधी उपकरणों के निर्माण पर भी ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। राजस्थान का कोई भी देशी राज्य अब नमक पर कर व किसी भी तरह से चुंगी नहीं ले सकता था। बीकानेर और जैसलमेर राज्यों को राजघराने के उपयोग के लिए कुछ नमक उत्पादन करने का अधिकार दिया गया था। कुछ राज्यों जैसे जयपुर, जोधपुर को शौरा तैयार करने का अधिकार था। प्रभावित होने वाले राज्यों को नमक उत्पादन से होने वाली आय की क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ धनराशि ब्रिटिश सरकार ने देना स्वीकार किया था। इन समझौतों के अनुसार सभी राज्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में नमक का उत्पादन पूर्णतः बंद कर दिया और इसका उल्लंघन एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अब इस नमक एकाधिकार की नीति के क्या क्या परिणाम हुए? इस एकाधिकार नीति के कई विनाशकारी परिणाम रहे। नमक जैसे सामान्य उपभोग की चीज़ राजस्थान की जनता के लिए महंगी हो गई। नमक की कीमत पहले से तिगुनी हो गई। राज्यों को शोरा बनाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, जिसके कारण राज्यों में कपड़ों की रंगाई व छपाई पर बुरा प्रभाव पड़ा। ऊन की रंगाई और चमड़े से संबंधित कुटीर उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। खारे नमक के उत्पादन पर प्रतिबंध लग जाने से ऊंट व अन्य पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। वॉल्टर के सुझाव पर ब्रिटिश सरकार ने नमक उत्पादन केंद्रों यथा सांभर झील, पचभद्रा, डीडवाना आदि को रेलों से जोड़ देने पर बंजारों का व्यापार चौपट हो गया। उनकी रोजी रोटी भी मुश्किल हो गई। प्रभावित राज्यों में बेरोजगारी बढ़ती गई। राजस्थान का कमली शोरा इतना बढ़िया था कि उसके जैसा यूरोप के किसी देश में नहीं बनता था। इसके उत्पादन पर प्रतिबंध लगाकर औद्योगिक विकास की सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया गया। अब राजस्थान के व्यवसायियों को बाहर से शोरे का आयात करना पड़ा, जिससे ब्रिटिश सरकार की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई और स्थानीय उत्पादन की वस्तुओं के दामों में वृद्धि हुई। अंग्रेजी साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला तथा राज्यों के प्रति आर्थिक शोषण का सिलसिला शुरू हो गया। एचिसन के अनुसार अब यह स्पष्ट हो गया कि देशी नरेश ब्रिटिश सरकार की उंगलियों पर नाचने लगे और उनमें हीनता की भावना थी। वे साम्राज्यवादी शक्ति के प्रति समर्पित थे। उनकी भलाई और सुरक्षा अंग्रेजों के हाथों में ही थी। उनमें अपने राज्यों की उन्नति व जनता के हितों को ध्यान में रखकर सर्वोच्च सत्ता के समक्ष प्रभावी तौर पर अपनी दृष्टि बिंदु रखने की क्षमता ही नहीं रही थी।